हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी टाइम से मेरे एक सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप फेस कवर करके और क्लीनिंग का वीडियो बनाइए। तो ये चैलेंज वीडियो है, फेस कवर करके, टाइट फेस कवर करके और क्लीनिंग का। तो आज मैं उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ। तो मैं ये दुपट्टे से फेस को कवर करके और फिर क्लीनिंग करूंगी, जो हमारी होती है वो। और दिवाली की भी हो ही रही है क्लीनिंग, तो दिवाली की क्लीनिंग भी हो जाएगी। काफ़ी तो हो चुकी है, काफ़ी जो बाकी है वो कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फेस को कवर कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे लिए तो चैलेंज ही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ऐसी गर्मी में इस तरीके का चैलेंज करना मेरे लिए तो चैलेंज ही है, बहुत बड़ा। तो ये देखिए, अच्छे से कवर कर चुकी हूँ मैं। और अब करते हैं क्लीनिंग। यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम में, और यहाँ पर पहले कर लूँगी फैन को क्लीन। थोड़ा टाइम पहले किया भी था, पर काफ़ी धूल मिट्टी आती है, तो फ़ैन को झाड़ लिया है मैंने, जो भी धूल मिट्टी थी। तो एक बार बेड को भी झाड़ दूंगी, ताकि जो ऊपर घिरा है वो हट जाए। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, पर हट गया। और यहाँ पर साइड में ड्रेसिंग टेबल के आसपास में और यहाँ पर झाड़ू घुमा दूंगी, ताकि झाले वाले हों तो वो निकल जाएँ। और यहाँ पर थोड़ा और रहता है, कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो उससे भी क्लीन कर लूँगी। और मेरा जो वो दूसरा झाड़ू था झाले गिराने का, वो टूट गया था, तो उसके बाद मैं लाई नहीं हूँ, मार्केट ही नहीं गई, क्योंकि उसके बाद नवरात्रि आ गई थी और श्राद्ध पक्ष में मैंने की थी काफ़ी सफाई। तो अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, पर एक बार तो और करनी ही पड़ेगी दोबारा से, तो वही कर रही हूँ दिवाली की सफाई। तो यहाँ पर हो गया है, तो और मैंने वहाँ पर झाड़ू भी घुमा दिया। अब मैं आई हूँ सेकेंड बेडरूम में, जो ये बच्चों का बेडरूम है, और यहाँ पर भी फ़ैन को झाड़ लूँगी और पलंग पे भी झाड़ दिया है और झाड़ू घुमा दूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि शरद के टाइम में मैं पहले दिवाली की सफ़ाई कर चुकी हूँ, पर धूल मिट्टी ज़्यादा आती है तो वापस से हो जाता है, तो अभी कम है, इसीलिए मैंने पहले ही कर लिया था शरद के टाइम में ही, ताकि दोबारा फिर हो तो थोड़ा बहुत होता है तो हो जाता है, लेकिन जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना तो मुश्किल हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर अभी आ गई हूँ मैं हॉल में, और यहाँ पर दो पंखे लगे हुए हैं, तो उन दोनों को भी साफ़ कर लूँगी मैं। और दीवारों पे भी झाले वगैरह कहीं पे भी है, और मेरे पास ज़्यादा कोई शोपीस वगैरह है नहीं, तो इतना मुझे टेंशन नहीं है ज़्यादा साफ़ सफाई का, क्योंकि मेरे पास कोई शोपीस वगैरह इतने हैं नहीं, बहुत कम, नहीं के बराबर ही हैं, तो इन्हें ही क्लीन करना है। और तो फैन को क्लीन कर लिया और यहाँ पर झाड़ू घुमा दिया है, और अब इस वाले फ़ैन को क्लीन कर लूँगी। और बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है, कल क्लास चलती है, बीच में गैप मिल जाता है, तो उस तरीके से चलता रहता है। तो यहाँ पर सोफ़े पे काफ़ी चीज़ में अनमानियाँ फैलाती रहती है, उसकी बुक्स वगैरह है, तो उन्हें मैंने हटाने के लिए बोला है उसको, तो हटा के दे दिया है उसको, तो वो अपनी जगह पर रख देगी। और मैं फ़ैन क्लीन कर लेती हूँ दूसरा वाला, तो इसके ऊपर से भी मैंने झाड़ लिया है और दीवारों पर साइड में भी घुमा दूँगी। धूल मिट्टी आ ही जाती है, छोटे मोटे छोटे छोटे से झाले आ जाते हैं, तो झाड़ू घुमा दिया है दीवारों पे भी मैंने। और यहाँ पे भी साइड में थोड़ा सा टीवी यूनिट जो बना हुआ है उस पर भी थोड़ा घुमा दिया है झाड़ू। और अभी सोफ़े को मैं हटा के कर लूँगी, रोज़ नहीं खिसका पाते हैं सोफ़े, हैवी भारी लग जाता है, तो इसीलिए मतलब महीने में एक बार ही हटा के झाड़ू लगता है, तो आज वो डीप क्लीनिंग हो गई है, हटाने का सोफ़ा हटा के करना, यानी डीप क्लीनिंग हो जाती है मेरी। ऐसे तो मैं नहीं हटाती हूँ रोज़ रोज़, नहीं होता है, नहीं खिसकता है, हैवी है काफ़ी। और वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल रखती तो बहुत बड़ा वीडियो हो रहा था, तो इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ाई है, क्योंकि नहीं हो पाता अगर पूरा दिखाना है तो फिर उसमें से भी वीडियो को मैंने काफ़ी छोटा कर किया है,
नहीं हो पाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है कि एक 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में वीडियो होता है, लेकिन इतनी सफाई करने की, 2 बेडरूम हॉल तो सबकी सफाई करने के लिए 10 मिनट में नहीं होती है, 10 या 15 मिनट में। पर वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने वीडियो को स्पीड दे दी है ताकि मैं सब कुछ दिखा पाऊँ। उसमें भी मैं काफ़ी कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ, इसीलिए स्पीड बढ़ानी पड़ती है वीडियो की। तो यहाँ पर सोफे के नीचे झाड़ू लगा दिया है अच्छे से मैंने, और काफ़ी कचरा निकल जाता है, चीज़ें हवा से चली जाती है नीचे, अभी रोज़ रोज़ तो नहीं होता है इन्हें खिसकाना। तो सोफे अपने जगह पे मैंने रख लिए हैं, और ये टी टेबल भी रख लिया है साइड में, और अभी झाड़ू लगा के कचरा डाल दूँगी डस्टबिन में, और लगा दूँगी पोचा, और डस्टिंग जो बाकी है वो कर लूँगी, और उसके बाद लगाऊँगी पोचा। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल को पहले क्लीन कर लूँगी, और ग्लव्स पहन लिया है मैंने हाथ में, ये कपड़े का जो आता है वो वाला है। तो यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के कांच को कर रही हूँ क्लीन, और यहाँ पर साइड में पलंग के साइड में उससे भी कर लूँगी क्लीन, और यहाँ पर ये यूनिट बना हुआ है तो उससे भी कर लूँगी। टेस्टिंग करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, खिड़की वगैरह ये तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, विंडो कर चुकी हूँ पहले इस रात के टाइम में ही, क्योंकि नवरात्रि में व्रत चलते हैं तो नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने पहले की जो फर्स्ट सफाई थी वो मैंने श्राद्ध में पकड़ ली, और अभी ये नवरात्रि के बाद ही की है। और ये वार्डरोब वगैरह उसके ऊपर जो स्टोरेज है इसे घुमा लूँगी, डस्टिंग कर लूँगी, होता रहता है रेगुलरली तो ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए ज़्यादा नहीं होने देती हूँ, मैं रेगुलर कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ मेरा हाथ जा रहा है वहाँ तक मैंने कर लिया है, स्टूल से ज़्यादा ऊंचा सीढ़ी वगैरह मेरे पास है नहीं तो ये स्टूल पे ही चढ़ के करती हूँ मैं। और ये साइड टेबल पे भी मैंने घुमा दिया है कपड़ा, और दरवाजे पे भी घुमा लूँगी। और अब आ गई हूँ वापस दूसरे बेडरूम में, बच्चों के बेडरूम में, और यहाँ के भी दोनों वार्डरोब और स्टोरेज को भी घुमा दूँगी। ये वाइट है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है जल्दी से, तो इसे इसको तो अक्सर क्लीन करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर भी मैं क्लीन कर रही हूँ, तो ये विनेगर और पानी डालकर ये सोल्यूशन बनाया हुआ उसी से कर रही हूँ मैं क्लीन। वाटर प्रूफ प्लाई है तो इतना टेंशन नहीं है, गीला कपड़ा करके घुमा लो तो वो स्प्रे करती जा रही हूँ, और वो कपड़ा ही है तो वो सोख लेता है तो वो क्लीन हो जाता है। यहाँ पे भी दरवाजे को कर दिया, अभी हॉल में आ गई हूँ वापस से मैं डस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर ऊपर से करना है, कोई शोपीस तो है नहीं कि उसे भी क्लीन करना है मुझे, तो बस ये जो यूनिट बने हुए हैं उन्हीं को करना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यह यहाँ पर बच्चों की बुक्स वगैरह रहती हैं तो उसको भी सिर्फ बाहर से करना है, अंदर से तो सब पहले ही कर दिया है। और यहाँ पर ये कुछ बना कर, ये वॉलपेपर लगा हुआ है तो यहाँ पर भी इतना कुछ नहीं है। टीवी को कर लिया है मैंने, कपड़ा घुमा दिया है टीवी के ऊपर, और कंप्यूटर पे भी घुमा दूँगी, सीपीयू कंप्यूटर पे भी थोड़ा सा कपड़ा घुमा दूँगी। पहले सब हटा हटा के अच्छे से क्लीन, डीप क्लीनिंग पहले हो चुकी है तो ज़्यादा कुछ नहीं है। और दरवाजे पे भी घुमा दिया, ये मेन डोर है तो यहाँ पे भी घुमा दूँगी। स्विच वगैरह हैं उन पे भी कपड़ा घुमा दूँगी साथ का साथ में, और सोफ़े को भी क्लीन कर लूँगी, बहुत मिट्टी आ जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर इंटरकॉम लगा हुआ है उसे क्लीन कर लेती हूँ, और भगवान की तस्वीर है वो नहाने के बाद करूँगी, क्योंकि अभी नहा ही नहीं हूँ तो अभी नहीं कर सकती, धूल मिट्टी का काम होता है तो नहा कर नहीं होता है, इसलिए आज मैंने नहाने का लेट रखा। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं पोचा की तैयारी के लिए, तो लाइजोल लेकर आई हूँ, तो लाइजोल डाला है मैंने, मोप से लगाऊंगी पोचा, बैठ के नहीं लगाती हूँ, लगभग मुझे ऐसे 8-9 साल हो गए हैं मैं मोप से ही पोचा लगाती हूँ, उससे पहले लगाती थी हाथ से, अभी इतना सारा लगाना होता है तो नहीं होता है बैठकर,
तो मोप से ही लगा देती हूँ मैं। तो लाइजोल डाल दिया है उसमें और उससे सब जगह लगा दूंगी पोचा। और यहाँ पर आ गई बच्चों के रूम में, यहाँ पर भी लगा दिया है पोचा। और स्पीड बढ़ा रखी है वीडियो की, क्योंकि नहीं हो पा रहा था इतना, फिर काफ़ी चीज़ काट देनी पड़ती है इसीलिए। और यहाँ आ गई किचन में, यहाँ पे भी पोछा लगा दिया, अभी हॉल में लगा दूँगी। और बच्चों की क्लास चालू है, 1 बजे तक ख़त्म होती है उनकी क्लासें। हॉल में भी कबोचा होने आ गया है, उस साइड में लगा चुकी हूँ, अभी यहाँ पर भी लगा लूँगी। और पोचा मेरा कंप्लीट हो गया, खाली पैसेज में ही बचा है, दोनों बेडरूम हॉल किचन चारों जगह पे हो गया है, बस अभी पैसेज में बचा है। इसे लगाकर अब मैं जाऊँगी, थोड़ी देर वेट करूँगी क्योंकि पसीना हो गया है, तो उसे सुखाकर फिर जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि काफ़ी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पे काफ़ी टाइम से। क्लीनिंग मेरी हो गई और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपना अच्छा अपना बेस कर सकूं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बहुत गर्मी थी उसमें भी मैंने ये चैलेंज पूरा किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, और जल्दी मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।